ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो टुडे इज डे टू और हम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक ढेला विलेज के रिजॉर्ट में, जो कि है कॉर्बेट रेट रिजॉर्ट। जैसा कि आपने कल हमारी जर्नी देखी ही थी दिल्ली से हरिद्वार होते हुए यहाँ आने की, और आज का हमारा प्लान ये है। पहले मैं बता दूँ, अराउंड 7:30 हो रहे हैं और प्लान आज का ऐसा है कि फटाफट से हम थोड़ा रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और बाकी सब सो रहे हैं एक्चुअली, और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से वेदर को देखते हुए, बिकॉज आज भी वैसे ही बादल बने हुए हैं जैसे कल थे, तो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो उसी के हिसाब से हमारा आज का प्लान होगा। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, जैसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अभी मैं चलता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द डे। साउथ इंडियन में इडली डोसा उपमा पोहा, और नॉर्थ इंडियन में छोले भटूरे। गाइस ब्रेकफास्ट डन कर लिया, ऑल सेट है, अब निकल रहे हैं यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए विलेज जिला के बाहर जो भी कॉर्बेट रीजन के अंदर प्लेसेस आती हैं। सो चलिए चलते हैं। क्या कर रही है? इसको घुमा रही हूँ। चेस्टर एक्चुअली ये मुझे घुमा रहा है। गाइस ये वही वाली नदी है जो कल हम क्रॉस कर रहे थे और बहुत ज्यादा पानी था, कल तो खड़े भी नहीं हो सकते थे, आज यहाँ पे हमारा डॉगी पानी पी रहा है क्योंकि हम उसका बाउल लाना भूल गए, क्योंकि गलती हमारी। पहुंच गए गिरजा देवी टेम्पल, अभी हम अंदर मत्था टेक कर आते हैं। गाइस यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, तो अभी दर्शन करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अंदर वैसे शूटिंग अलाउड नहीं है, तो अब आपसे दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं। मंदिर की बैक साइड पे हैं हम, यहाँ पे नदी बह रही है और काफ़ी ज़्यादा ना गंदा पानी भी है पीछे से, तो बता रहे थे मोस्टली लोग यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं गर्मी का टाइम भी क्योंकि, बट काफ़ी गंदा पानी, तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इसके अंदर इस टाइम स्नान कर रहे हैं। ऐसे गद्दे वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल, इसमें ना गीली मिट्टी हो रखी है, क्विक सैंड। वो देख वो देख, इसको देखिए, रिलैक्स, चिलिंग इन द बीच। वो देख ना कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। मिट्टी ना ढहती जा रही है क्योंकि इधर इतनी गीली और सॉफ्ट मिट्टी है ना, हाँ। बिल्कुल ढह रही है, ज्यादा देर एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे आप, ये देखो। हाँ इधर पानी प्लेन है और एकदम इधर देखो बाग इतना। तो गाइज अभी हम माथा टेक कर आ चुके हैं, मंदिर के एकदम नीचे भैरव बाबा का भी मंदिर है, और ये जो मंदिर पड़ता है ये पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ की डीटी जो है वो है गिरिजा माता। तो अभी हम माथा टेक कर आ गए, एज आज संडे भी है तो बहुत भीड़ है, अंदर नहीं अलाउड, नीचे थोड़ा सा भैरव बाबा में थोड़ा अलाउड था, तो हमने थोड़ा सा शूट किया आपके लिए। तो अभी हम आगे चलते हैं दूसरी जगह पर। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक और चीज़ पता चली, जो ये मंदिर है ये महाभारत के टाइम से है, कौशिकी ऋषि थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, और जो नदी है उसका मतलब उस टाइम से इस नदी का नाम कौशिकी नदी पड़ा हुआ है, और इसलिए इनका उन्होंने यहाँ पे पूजा की थी, देवी थी यहाँ पे देवी गिरिजा, इसलिए यहाँ का नाम गिरिजा देवी टेम्पल रखा गया है। तो अब चलिए हम आगे म्यूजियम की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे साथ चलिए। कौन कौन से है कॉर्बेट के? ये कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा है ना, और तो हमने डिसाइड किया कि हम ये ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल भी है, तो हमने ये ले लिया। दो क्यों जस्मीन? एक हम नमिता और जतिन के लिए ले रहे हैं और एक हमारे लिए, आज आप पता है हमारा ट्रेडिशन बन चुका है अभी। तो गाइज अब हम मंदिर से आ गए हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम में, तो इसके टाइमिंग्स 4 बजे तक ओपन रहेंगे, और ये दिकाला जोन में पड़ रहा है जबकि अभी ये क्लोज है कॉर्बेट जाने के लिए, बट म्यूजियम खुला है, तो चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं।
ओके गाइस, तो ये वाला जो गेट है डिकाला जोन का है, ये 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक बंद रहता है और अक्टूबर में इसकी बुकिंग खुलती है। अगर आपको आना हो इस रूट से आ सकते हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फिलहाल तो ये क्लोज्ड है। जो फेंसिंग लगी हुई है, थोड़ा सा जुरासिक पार्क वाला फील नहीं आ रहा? अगर आपने फर्स्ट या सेकंड पार्ट देखा होगा, उसका फेंसिंग ऐसी थी। मुझे तो काल वाला फील आ रहा है। काल वाला तो आ ही रहा, खैर मुझे तो कल के लिए भी आ रहा है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं म्यूजियम के अंदर। अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट एट नाइट, कैसे दिखता है? तो ये एक उन्होंने बना रखा है रूम, तो लेट्स गो। Let's go to theater now. Oh! Oh! My God! To be in danger unless we start taking off. जैसे देख मैप कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज। हम तो अभी सेंटर में ये राम दिखाला में है। बहुत ही बढ़िया म्यूजियम, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या ये देखो क्या पे गाड़ी है, फॉरेस्ट फील। अच्छा देखो ओके गाइस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट कैसे पड़ा है, इसकी फटाफट से क्विकली डिस्कस करते हैं। तो 1815 से पहले, जब ब्रिटिश रूल नहीं था, तो जिन लोकल प्रॉपर्टीज़ के पास ये जगह थी, उनको ये प्रॉपर्टी जो है हैंड ओवर करी थी उन्होंने 1820 में। मेलकम हेली, उन्होंने ऑफर करा था कि जगह प्रोटेक्टेड एरिया बनाएंगे। सो 1936 के अंदर इसको एक नेशनल पार्क बनाया गया और जिसका नाम दिया गया हेली नेशनल पार्क। उस टाइम पे फर्स्ट नेशनल पार्क जो है प्रोटेक्टेड एरिया में बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, और 1954 के आसपास हुआ था। और इन 1956 और 57 के बीच में इट इज़ रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो ये इसकी एक छोटी सी नाम के पीछे हिस्ट्री थी। और तब से एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अंडर टाइगर रिजर्व एरिया के काफ़ी सारे इस जोन के अंदर एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड रिजर्व एरिया बना गया है, जहाँ पे टाइगर्स को रिजर्व रखा जाता है इसलिए। और ये बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे 3D थिएटर बना रखा है, छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं, और नाइट एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट का जो हमने आपको दिखाया था। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, वैसे मैंने अगर कोई गलती हो गई हो तो मैंने क्लिप्स बीच में डाली हैं काफ़ी सारी। आप सारे जितने भी लेपर्ड है, टाइगर है, जितने की भी स्टफ्ड, और ये सारे रियल है, तो क्लिप्स भी डाले हैं बीच में, आप पॉज करके देख भी सकते हो। चाहे वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हिस्ट्री है, चाहे और भी बाकी सब कुछ है यहाँ पे, बट मस्ट विजिट है यार, आना ज़रूर, मस्ट विजिट, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया। तो अब हम आ गए हैं म्यूजियम के बाहर, एज अंदर डॉग्स अलाउड नहीं है, तो अब हम ये कर रहे हैं इसकी रखवाली। सो बेसिकली आपने वीडियो में जब देखा है कि नमिता हमारे साथ थी, हम तीनों थे। सो हम बैच में गए थे, हम जतिन कार में चेस्टर के पास था। सो अब जतिन चला गया है, मैं आ गया, फिर जसमीत आ गई थी। सो वो जतिन अच्छे से देख कर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे कैसा है, स्पेशली जतिन का। एक चीज़ और यार, अगर आप नेचर लवर हो तो आप ये वाली जगह ज़रूर विज़िट करना। म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छे से डेकोरेटिवली समझा रखा है कि कैसे डिटेल्स हैं नेचर की, किस तरीके से काम करती है रिवर का, रिवर के कैसे एनिमल्स हैं, और जो ग्रासलैंड के अंदर है और जो वेटलैंड के अंदर है, बड़े अच्छे से दिखा रखा है यहाँ पर। और हमने वो भी देखे थे, छोटे छोटे फेटूस थे, चीता के, लेपर्ड के आई थिंक, और किंग कोबरा भी था, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर स्पेसिमन रखा हुआ था। और चलिए फिर अब वेट करते हैं उनका और पूछते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारी अगली कार्रवाई करेंगे। तब तक टाइम स्पेंड करते हैं चेस्टर के साथ।
हाँ जतिन, कैसा रहा भाई? अरे इट वाज वंडरफुल, मतलब वर्थ है 100 rupees की टिकट के हिसाब से। एंड एज फार एज अदर म्यूजियम्स आर कंसर्न ना, ऐसा म्यूजियम नहीं देखा सीरियसली, बहुत अच्छा था। बट जैसे ओरिजिनल वो जो रखे हुए हैं ना, ठीक है स्पीशीज, वो सबसे बड़ी चीज है, वरना डमीज तो हर जगह पे होती हैं यार। ओरिजिनल रखी है ठीक है, थोड़ा सा लगते हैं रियल, और बाकी वर्थ है, वर्थ एकदम बहुत तरीके से, छोटा है पर बहुत अच्छा है उसकी, वर्थ गोइंग है, बहुत अच्छा है। एंड चेस्टर भी कह रहा है मेरे को जाना है, चेस्टर को हम छोड़ के गए थे और अब देख लो उसका हाल, चले रो रहा है, चले चले फिर जतिन, चले चलो लेट्स गो, चलो आगे बैठना पीछे, चलो गाइस तो फिर चलते हैं यहाँ से वापस रिजॉर्ट की तरफ, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम वापस आ गए हैं रिजॉर्ट में, अब चलते हैं लंच करने के लिए। लंच के लिए थोड़ा लेट हो गए थे, बट उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने वेट कर लिया था, सो लेट्स गो। बहुत जोर से भूख लग रही थी, खाने में राजमा चावल मेरे फेवरेट, विद चाय पनीर और जीरा आलू, और ये चाहिए, अब खाते हैं। बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है देखने में, और सबसे बढ़िया बात यह है कि राजमा बने आज। सो अब हम चाय पियेंगे थोड़ी सी, थोड़े से पकोड़े आए और वो खाएंगे, इसके बाद थोड़ी सी बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर आए थे। स्पेशली यार हम बात करने ही आए थे, टाइम ही नहीं मिला बातें करने का, पूरा टाइम कभी इधर कभी उधर। हाँ बट अब हम बैठेंगे, डेफिनेटली विल हैव अ लॉट ऑफ गॉसिप्स। हाँ आज हम खेलेंगे जेंगा, आ जाओ खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। लाल वाला देखते हैं। लाल वाला ही क्यों? क्योंकि नीचे आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी सर। Because red is, red means danger. Red means love. Oh, oh, love. Oh. And love is danger. Ooh. माहौल गर्म है. You lost the game. Ooh. You are the seven. हाँ भाई जतिन, कैसी लग रही है आज की फीस्ट? यार देख कैसा लग रहा है सच में, वेरी, इट इज वेरी 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 टेम्पटिंग। और सबसे बड़ी चीज़ है आज खाने में प्लेट्स में जगह कम पड़ गई है, कहाँ पर रखे इतना सारा आइटम ना, पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। नंबर ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा है। कैसा ना मिला, मस्त था ना? बहुत टेस्टी खाना है, हमने तो स्टार्ट कर लिया अभी आया। अच्छा रिजॉर्ट चूज करा था, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो अगली बार से हम खुद कुछ नहीं ढूंढेंगे, कार्तिक को ही बोलेंगे। अगर आपको भी किसी को बोलना हो तो कार्तिक को ही बोलिएगा कौन सा रिजॉर्ट देखना। थैंक यू। ओके गाइस, सो फाइनली अब सारा दिन घूम घाम के और अच्छा सा खाना खा के, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देख कर, अब सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द डे 2। सो मिलते हैं आपसे कल सुबह, क्योंकि कल सुबह हमने उठना है काफ़ी जल्दी, और मुझे तो ऑलरेडी अभी काफ़ी देर हो गई है डेटा वगैरह कॉपी करने में। सो सी यू टुमारो, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।